हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, मैं आपको बताने वाला हूं कि एज अ थंबनेल डिज़ाइनर आप अपने लिए फ्रीलांस क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हो और थंबनेल डिज़ाइन करके आप अच्छा खासा इनकम कैसे कर सकते हो। मैंने भी कुछ टाइम तक थंबनेल डिज़ाइनिंग का काम किया है। अब मैं लगभग हर एक थंबनेल बनाने का 200 रुपया चार्ज कर रहा था। अगर मैं और भी आगे करता तो अभी तक मैं चार्ज को बढ़ा के 300-400 रुपया पर थंबनेल मैं चार्ज कर लेता, लेकिन मैंने कुछ और पकड़ा। देखिए, अब मैंने जितना भी स्टेप अपनाया था क्लाइंट को ढूंढने के लिए, क्लाइंट को लाने के लिए, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, तो वो सारा चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अच्छे से, ताकि जब आप इसे स्टार्ट करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे कि मैंने यहाँ पहले फिलहाल आपको दिखाता हूँ, मैं फाइवर पे आप खोलोगे, आप सर्च मारोगे थंबनेल डिज़ाइनर, तो आप देखोगे आपको काफ़ी सारे गिग मिलेगा। इसमें देखो, हर एक थंबनेल का कोई 800 रुपया, कोई 1300, कोई 2000, कोई 3000 तक भी चार्ज कर रहा है थंबनेल डिज़ाइनिंग करके। तो अगर आपको अच्छे से थंबनेल डिज़ाइन करना आता है, आप बहुत अच्छा थंबनेल बना सकते हो, आपको फोटोशॉप सबका इस्तेमाल करना काफ़ी अच्छे से आता है, तो आप थंबनेल को इतना ज़्यादा चार्ज में भी बेच सकते हो। फिर अगर आप बिगिनर हो, आप नॉर्मल कैनवास से ही करते हो, तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप कैनवास से ही तो अपना थंबनेल डिज़ाइनिंग का काम को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी कुछ टाइम पहले थंबनेल डिज़ाइन का काम स्टार्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही काफ़ी सारा वीडियो बना के दिखाया है कि थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं। मेरे चैनल पे अगर जाओगे आप तो आपको काफ़ी सारा वीडियो उसके ऊपर मिल जाएगा कि हाउ टू डिज़ाइन थंबनेल इन कैनवा। मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी सारे इसके ऊपर वीडियो बनाया था और इसके थ्रू ही मैंने काफ़ी सारा क्लाइंट को भी लाया था। तो मैं क्लाइंट को कैसे लाता था वो सब आप देख पाओगे। यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ वीडियो बनाया कि मैंने इस थंबनेल को कैसे बनाया है, तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखा है पहले से ही। तो आप इन सब वीडियो को देख के थंबनेल कैसे बनाते हैं आप वो सीख सकते हो। अगर आपको अपना नॉलेज नहीं है कि कैसे बनाते हैं फ्री में थंबनेल, तो आप कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हो। कैनवा से आप जितना भी यहाँ पर मेरा थंबनेल सब देख रहे हो, सभी मैं कैनवा में बनाता हूँ। कैनवा का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे तो आप ऐसा थंबनेल सब बहुत इजीली बना पाओगे। पहले तो स्टेप यही है कि आपको पहले थंबनेल डिजाइनिंग सीखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आता है तो काफी अच्छा बात है। तो अब हम क्लाइंट कैसे ढूंढें, अगर हमको आता है थंबनेल डिजाइन करना तो हम क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको दो रास्ते बताऊंगा क्लाइंट ढूंढने का। पहला रास्ता में आपको सामने से क्लाइंट को अप्रोच करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा। और दूसरे रास्ते में मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे कि लोग आपके पास आएंगे आपसे अपने थंबनेल को बनवाने के लिए। ओके, तो दूसरे रास्ते जाने से पहले आपको पहले पहला रास्ते को क्रॉस करना होगा, पहले आपको ऐसा थंबनेल सब बनाना होगा। तो पहले रास्ते में हम क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे, तो पहले आपको तो खुद के लिए खुद का फेस लगा के या फिर किसी बड़े यूट्यूबर्स का डमी थंबनेल सब बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो स्टार्टिंग का अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो मैंने बनाया था ईशान शर्मा का। यहाँ पे आप देखो, या मैंने ये थंबनेल आप जो देख रहे हो, ये जो मैंने इसमें बनाया है, लाइक इसमें जो मैंने बनाया है, ये जो थंबनेल है, तो ये सब जो है ना ईशान शर्मा का थंबनेल से मैंने कॉपी करके बनाया था। देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया भी कि ईशान शर्मा का आप थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो पहले तो आपको अब किसी बड़े यूट्यूबर का थंबनेल को देखना है। अगर आपको लग रहा है कि इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपको उसे इम्प्रूव करना है, उसे नया से बनाना है और ट्राई करना है अच्छे से बनाने का। ओके, इससे क्या होगा कि आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा। आपके पास लगभग आपने जब 10-15 थंबनेल बना लिया है, तो आपके पास एक प्रूफ है कि आप किस तरीके का थंबनेल को बना सकते हो। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, आपको सर्च करना है, फिर आपको अपना YouTube ओपन करना है। यहाँ पे भी आप काफ़ी सारे आप यूट्यूबर को देख पाओगे जिनका कि थंबनेल उतना अच्छा नहीं होगा। ऐसे अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे तो काफ़ी सारे आपको यूट्यूबर दिख जाएगा, ऐसे देखो इनका थंबनेल उतना अच्छा नहीं है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। या फिर इनका थंबनेल उतना अच्छा नहीं है तो आप जाओ इनके चैनल पे, इनके चैनल को आप ओपन करोगे। ठीक है, तो आप इनके चैनल पे देखो, आप देख सकते हो कि इनका थंबनेल सब कैसा है वीडियो सेक्शन में जाके। वैसे तो इनका थंबनेल अभी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप इनको बेटर थंबनेल को ऑफर कर सकते हो, क्योंकि देखो इनका जो सब्सक्राइबर है वो लगभग 121,000 है और इनका व्यूज़ काफ़ी अच्छा आ रहा है, 55,000 के करीब आ रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि जिसको आप अप्रोच करने वाले हो उसका कितना सब्सक्राइबर है और उसका हर एक वीडियो पर व्यू कितना आ रहा है, उसके बाद ही आपको इन्हें अप्रोच करना है। ठीक है, तो मान लो कि आपने सर्च किया हाउ टू अर्न मनी। ओके, आपने ऐसा कुछ सर्च किया तो आपके सामने काफ़ी सारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। जैसे देखो, इनका थंबनेल उतना अच्छा नहीं है, मैं नहीं आता हूँ इनके चैनल पे, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इसके वीडियो में। तो यहाँ पे देखो कि इनका जो सब्सक्राइबर है वो करीब 2,00,000 के करीब है, पर इनका सब्सक्राइबर देखो, इनका व्यू देखो पर वीडियो पे, इनका व्यू 4,000, 8,000, 10,000, 12,000 करीब आ रहा है, जबकि इनका सब्सक्राइबर लगभग 2,00,000 है। ऐसा क्यों है?
तो इनका थंबनेल उतना अच्छा नहीं है। तो आप ऐसे यूट्यूबर्स को अप्रोच कर सकते हो कि मैं आपका थंबनेल अच्छे से बना दूंगा। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको जाना है इनका अबाउट सेक्शन में। ओके, आपके पास ये लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप क्या करो, यूट्यूब स्टूडियो का जो आपको मिलता है यूट्यूब को आप ओपन करो अपने मोबाइल के ब्राउज़र में, डेस्कटॉप मोड को ऑन कर दो। फिर यहाँ पर आप जाओगे इनके अबाउट सेक्शन में। ओके, नीचे आने पर आपको मिलेगा बिजनेस ईमेल का यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू ईमेल एड्रेस पे, और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा मिलेगा, इसको आप क्लिक कर दो और सबमिट कर दो। आई एम नॉट रोबोट, इसको अगर आपको फिल करना है तो यहाँ पे आप फिल कर दो उसको, और फायर हाइड्रेंट तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, वेरीफाई, तो यहाँ पे देखो हो गया। अब मैं सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे इनका ईमेल आईडी मिल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे इनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी को आप कर लेना है कॉपी। ईमेल आईडी आपको मिल गया, अब इनको आपको एक कोल्ड ईमेल लिखना है। तो कोल्ड ईमेल क्या होता है, कोल्ड ईमेल मतलब होता है कि आप इसे ऐसा एक ईमेल लिखोगे जिसमें कि आप इनको बताओगे कि इनका थंबनेल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो व्यू है वो घट जा रहा है। आप इनके लिए अच्छा थंबनेल बना सकते हो। तो मैंने आपके लिए काफ़ी, मैंने पहले जो काफ़ी लोगों को भेजा है अपना मेल लिख के, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो इसमें आपको मेहनत काफ़ी करना पड़ेगा, लगभग आपको आप डेली 4-5 आदमी को मेल करो, डेली 5-4 आदमी को मेल करो, उनमें से कोई ना कोई आपको रिप्लाई ज़रूर देगा। और अगर किसी ने एक रिप्लाई दे दिया और वो आपका क्लाइंट बन गया, तो आप उनको इतना अच्छे से सर्विस दो कि वो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें, क्योंकि यूट्यूबर का फ्रेंड्स काफ़ी सारे यूट्यूबर होते हैं तो वो उनको भी सजेस्ट करते हैं। मेरा ऐसे ही, मैं एक क्लाइंट ने मुझे रिप्लाई किया था तो उससे ही मेरे पास 4-5 क्लाइंट आ गए थे। ओके, तो आपको सेम करना है। जैसे आप, मैं दिखाता हूँ सेंड में, तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को है जो मेल लिखा था। आप देखो पोर्टफोलियो नाम से मैंने उनको जिप फाइल बना के भेजा था। तो आप क्या करना, आप एक PDF में डाल देना या फिर आप गूगल ड्राइव पर लिंक बना लेना, तो उसमें आपको भेज देना है। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने लिखा था कीर्ति को, कीर्ति एक यूट्यूबर है, उनको मैंने लिखा था कि हे कीर्ति, आई एम पीयूष झा, अ थंबनेल डिज़ाइनर, आई वॉच्ड योर वीडियो एंड आई रियली लाइक इट। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के एक दो लाइन में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेना है स्टार्टिंग के लाइन में, फिर आपको उनके कुछ तारीफ करना है कि आपने उनका वीडियो देखा है, आपको पसंद आया ऐसा कुछ। पर यहाँ फिर मैंने लिखा है कि मैं उनको अब क्यों फॉलो कर रहा हूँ, मैंने क्यों मैसेज भेजा है। मैंने लिखा है बट आई ऑब्जर्व दैट यू हैव 1,16,000 सब्सक्राइबर्स बट योर वीडियोज़ आर नॉट गेटिंग मोर देन 4,000 व्यूज़, यानी कि इनका 1,00,000 सब्सक्राइबर है पर 4,000 से ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक द मेन रीज़न ऑफ इट इज़ योर थंबनेल, यानी इसका मेन रीज़न जो है कम व्यू आने का वो इनका थंबनेल है। आई थिंक योर थंबनेल हैज़ टू में मच टेक्स्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट योर वीडियोज़ आर नॉट गेटिंग दैट मच व्यूज़। तो ऐसे आपको लिखना है, फिर यहाँ पे आपको लिख देना है कि आई हैव क्रिएटेड सम थंबनेल्स फॉर यू, अगर आपने उनके लिए कोई थंबनेल बनाया है तो, वरना आप लिखो कि मैं आपको अपना पोर्टफोलियो अटैच कर रहा हूँ इसमें, आप उसे देख लेना। फिर आपको यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो इसमें डाल देना है। ऐसे करने पे आपको उनको मेल सेंड कर देना है और हर 2 दिन के बाद उनको एक फॉलोअप करना है। फॉलोअप मतलब क्या होता है कि अगर मेल भेजोगे उसको ओपन करोगे तो आपको रिप्लाई का ऑप्शन आएगा, रिप्लाई पे क्लिक करके आपको एक और यहाँ पे इस तरीके का मैसेज आपको भेज देना है, हे कीर्ति, आई नो यू आर बिजी एंड इवन 2 or 3 लाइन्स इफ़ यू कैन रिप्लाई दैट वुड मेक माई डे। तो इस तरीके का आप एक मेल उनको भेज सकते हो। आप इस तरीके का मेल जो है वो ChatGPT और Bard के इस्तेमाल से जनरेट भी करवा सकते हो। उनको बस बोलना कि write a email for कीर्ति, आई एम आर थंबनेल डिज़ाइनर, आई नोटिस दैट हीज थंबनेल आर नॉट दैट गुड एंड आई कैन इम्प्रूव इट। आप ऐसा एक प्रॉम्प्ट डालोगे तो वो आपको अच्छा सा एक मेल लिख के दे देगा। आपको सिंपली उसको कॉपी करके थोड़ा चिन्हित करके आपको पेस्ट कर देना है। पर आपको ये याद रखना है कि जब आप कोई मेल लिखते हो तो आपको उसमें सब्जेक्ट लाइन काफ़ी अच्छा देना है। यहाँ पे देखो मैंने देखा है कीर्ति, योर यूट्यूब चैनल नीड्स दिस, तो यहाँ पे आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पूरा एक थंबनेल को लिख दोगे तो यहाँ मिलेगा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन, इसमें आपको कुछ अट्रैक्टिव लिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है कीर्ति, योर यूट्यूब चैनल नीड दिस। फिर यहाँ पे मैंने और भी दिखाता हूँ आपको, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है मैं आपको, देखो यहाँ पे योर यूट्यूब चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दिस, लिखा है ईशान, योर यूट्यूब चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दिस। तो ऐसा अगर कुछ लिखोगे तो उससे क्या होगा कि रिप्लाई आने का चांस बढ़ जाएगा। तो मैंने काफ़ी लोगों को भेजा था, इनमें से काफ़ी सारे ने मुझे रिप्लाई भी किया था। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने मुझे, ट्विंकल ने मुझे रिप्लाई किया है, विशाल ने मुझे रिप्लाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने मुझे यहाँ पे रिप्लाई भी किया था, हेलो शेयर मी योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आई विल कॉन्टैक्ट यू लेटर। तो ऐसे उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मैंने इनसे भी बात करके यहाँ से इनके साथ भी मैं काम किया हूँ। तो ऐसे आपको करना है,
ये है आपका पहला तरीका कि आपको कैसे कांटेक्ट करना है किसी भी यूट्यूबर के साथ। दूसरे में आपको क्या करना है, तो आपको ऐसा कुछ करना है जिससे कि लोग आपके पास आए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करो। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल के लिए मैंने इसका आपको दिखाया है। ये एक लड़का है जो कि थंबनेल क्रिएट करता है और इसको मैंने कुछ दिन पहले ही एक्सप्लोर किया था और मुझे इसका जो प्रोफाइल है वो काफ़ी पसंद आया। प्रोफाइल में तो उतना कुछ खास इसने लगाया नहीं है, लेकिन आप देखोगे ये जो है अपने प्रोफाइल पर हमेशा शेयर करता है कि ये किस तरह का थंबनेल बना रहा है। आप एक बात नोटिस करो कि देखो इसने काफ़ी सारा यहाँ पे थंबनेल बनाया है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का। हो सकता है कि ये इस यूट्यूबर के साथ काम ना करता हो, ओके, ये इसने बस एग्जांपल के लिए बनाया हो, पर जब ये शेयर करता है अपना ये लिंक्डइन पे तो देखो इसके हर पोस्ट पे 22 लाइक, 7 कमेंट, 6 कमेंट, 23 लाइक, ऐसे मतलब इनको लगभग 50 से 60 लोग इसके पोस्ट को नोटिस कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि मान लो कि 50 आदमी ने नोटिस किया पर उनमें से किसी को भी एक थंबनेल नहीं चाहिए उस टाइम पे, पर उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में उस 50 लोगों के कोई भी अगर फ्रेंड को बोलेगा कि मुझे एक थंबनेल डिजाइनर चाहिए, तो उन 50 लोगों के पास दिमाग में ये रहेगा कि हाँ एक लड़का है जो काफ़ी अच्छा थंबनेल बनाता है, क्योंकि आप इनका थंबनेल देखोगे तो काफी अच्छा ये बनाते हैं। तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, आपको भी अपना एक लिंक्डइन का अकाउंट खोल लेना है। तो कैसे खोलते हैं इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आपको ये खोल लेना है। फिर आपको एक पोस्ट लिखना है कि टुडे आई क्रिएटेड दिस थंबनेल फॉर प्रैक्टिस, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाया है किसी यूट्यूबर के लिए, जैसे कि मनोज दे के लिए मैंने बनाया है, ऐसे आपको लिख देना है एक पोस्ट। और फिर यहाँ पे ऐड मीडिया पे क्लिक करके आपको उस थंबनेल को अटैच करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। ऐसे मैंने भी स्टार्टिंग में एक दो पोस्ट में डाला था मेरा थंबनेल सब, तो वो भी आप इस मेरे अकाउंट में आके देख सकते हो। तो ऐसे आपको क्या करना है, उसे क्या होगा कि लोग जब आपका थंबनेल सब देखेंगे उनको पसंद आएगा तो भले ही स्टार्टिंग में आपको लोग काम ना दे, लेकिन बाद में जाके वो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा काम देने वाले हैं। और इस तरीके से आप अपना जो फ्रीलांस करियर है वो स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप फाइवर अपवर्क इस्तेमाल करो, पर इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन है। मैंने खुद ट्राई किया था लेकिन कोई काम नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसमें करना, क्योंकि जो भी इस पर लोग कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इनका। अब देखोगे मैंने यहाँ पर सर्च मारा है थंबनेल डिजाइनर्स, तो यहाँ पे देखो करीब करीब 15,000 आदमी थंबनेल डिजाइनिंग कर रहे हैं। और ये जिस लेवल का ये लोग थंबनेल डिजाइन करते हैं उनके साथ आप कंपीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल पे हैं। और जो नॉर्मल आदमी होते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये यूट्यूबर को अभी जो मैंने अकाउंट ओपन किया था इनका, तो ये फाइवर पर नहीं जाएगा अपना थंबनेल बनाने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी मेहनत लगता है और इनके पास इतना पैसे भी नहीं होता कि वो फाइवर पे जाए थंबनेल बनाने के लिए। तो ऐसे लोगों को आप डायरेक्टली मेल करोगे तो आपके पास चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको रिप्लाई दे और आपको एक क्लाइंट मिल जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं पूरा आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।